हिंदुस्तान में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो अंधेरा होने पर अब न रोते हैं न चिल्लाते हैं, बस एक छोटा सा दीप जलाते हैं। ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, कैसे कलम की द से दवात की, निरक्षरता के खिलाफ साक्षरता के उजास की, उल्लास की। 1947 में जब हिंदुस्तान की धरती पर आजादी का सूरज उगा तो उसके साथ ही हमने देखे कई सपने, कई रंग। उनमें एक रंग था कुछ पढ़ने का, आगे बढ़ने का। तब 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी अनपढ़ थे, बेपढ़े लिखे। कोशिश शुरू हुई नौनिहालों को स्कूल की ड्योढ़ी तक पहुंचाने की, प्रौढ़ों को पढ़ाने की। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक राष्ट्रव्यापी संकल्प और संगठन तब सामने आया जब थी तारीख 5 मई 1988। इस दिन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ हुआ। लक्ष्य था वर्ष 2007 तक भारत की 75% आबादी को निरक्षरता के दंश से उबार कर साक्षरता का सूरज दिखाना और पढ़ा लिखा बनाना। मिशन ने बेहतर जन जुड़ाव के साथ पूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा तथा महिला सामख्या से लेकर गांवों में व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रमों की अभिकल्पना की और इन्हें व्यवहार में भी उतारा। नतीजे भी आए। 75% साक्षरता लक्ष्य को पुरुषों के मामले में तो भारत ने वर्ष 2001 में ही हासिल कर लिया, लेकिन महिला साक्षरता का आंकड़ा अभी भी लक्ष्य से कई कदम दूर है। दिलचस्प बात यह है कि 1951 की तुलना में महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर घटने के बजाय बढ़ा है। कारण, बड़ी उम्र में पढ़ने का संकोच तो एक कारण है ही, लेकिन सच है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकलना कभी आसान नहीं रहा। आखिर क्या हो? साक्षरता के इस पड़ाव पर इस बार फिर एक अनोखी पहल हुई दक्षिण से, कर्नाटक से। जय जय कर्नाटक माते। कर्नाटक के मातृत्व को अधिक सक्षम और समृद्ध करने के लिए ही कर्नाटक साक्षरता के कर्णधारों ने विचार दिया। निरक्षरों को किसी साक्षरता केंद्र या स्कूल ले जाने के बजाय क्यों ना घर को ही स्कूल बनाया जाए। हर एक बच्चा पढ़े और अपने से बड़े दो को अपने घर में ही पढ़ाए। ईच वन टीच टू, यानी अभिभावकों की लगेगी क्लास और बच्चे बनेंगे टीचर जी खास। भले ही ये किसी को मजाक लगे, लेकिन कर्नाटक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने राज्य प्रौढ़ शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इसे सच कर दिखाया। कार्यक्रम का नाम रखा लर्निंग थ्रू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के जरिए शिक्षण। 2005-2006 में हुआ शुभारंभ। लक्ष्य है 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों को साक्षर बनाना। रेट ऑफ इलिटरेट्स विल बी रिड्यूस्ड इफ द चाइल्ड लर्न्स बेटर एंड एज वेल एज ही विल मोटिवेट, द चाइल्ड विल मोटिवेट टू हिज फैमिली आर सराउंडिंग ऑफ हिज फैमिली आर इन हिज नेबरहुड ही propagate literacy. So that is the main aim of this program.
कार्यक्रम को अंजाम देने से पहले साक्षरता से जुड़े अधिकारियों के समक्ष सवाल कई थे, लेकिन आशंकाएं बिल्कुल नहीं। पढ़ाना एक कला है, बच्चों को ये कला कौन सिखाएगा? बच्चों में इसके प्रति दिलचस्पी कैसे जागेगी? बच्चे इस काम को अतिरिक्त बोझ न मानकर इसका आनंद कैसे लें? इसकी क्या व्यवस्था हो? सवाल थे तो जवाब भी। इसकी प्रयोगशाला बना जिला मांड्या और इसके चिकमांड्या तालुके का ये गवर्नमेंट हाई स्कूल। They have improved their learning and they will practicing literacy program also very effectively, sir. And they will teach illiterates between 15 to 35 age groups in the evening, in the free time, sir. They have so many illiterates nearby their houses. That's why we have selected only 60 students to teach the illiterates nearby neighbors and also their parents also. They teach their illiterates voluntarily because we have exempted them to do the project work for 40 marks. Except these 60 students, all of other students should do the project work in the end of the academic year, sir. So that's why it is not burden to these students. छात्र को पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षकों को चुना गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल से अंकैया और पुट्टू राजू को ये अवसर मिला। पुट्टू राजू इसे गौरव की बात मानते हैं। ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಮನಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನಮನೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಪುಟ್ಟು ರಾಜು ಏಕ್ ಅಚ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ್. शिक्षण की सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व वो बखूबी समझते हैं, इसीलिए चुनिंदा शिक्षकों को इस कार्यक्रम हेतु तैयार करने की कार्यशाला में पुट्टू राजू ने अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत की। छात्रों के हित की बात पहले पूछी। पढ़ाने वाले बच्चों को कुछ किताबें दी गईं। इन्हें 5 महीने के भीतर पूरा करना होगा। हर रोज एक डायरी भी लिखनी होगी। टीचर्स डायरी? वाह, हम टीचर जी बनेंगे। बच्चों में एक्टिवनेस नजर आया ये, और दिलचस्पी नजर आई, और दूसरों को पढ़ाने में उनको एक इच्छा, अपने खुद के लिए मास्टर समझना एक उनकी ख्वाहिश होती है, वो उनमें मैं फाइंड आउट किया है। ये वो अंतिया दागा उड़गे और ये तर मगा मगड़ू अनुकल्पने बढ़ते ये सहाय। गवर्नमेंट हाई स्कूल के ये बच्चे इसी एहसास से खुश हैं। साथ ही पुट्टू राजू द्वारा चित्रों के माध्यम से पढ़ाने की कला समझने हेतु गंभीर इनमें से कई बच्चे बच्चियां छुटपन में टीचर जी का खेल खेलते रहे हैं, तो फिर आज जब इन्हें सचमुच टीचर बनने का मौका मिलता है तो ये खुश क्यों ना हो। ये उनका प्ले टाइम जैसा है, जो भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ाते हैं वो प्ले टाइम के जैसा वो दूसरों को बड़ों को पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर उसमें टेंडेंसी क्या है, उसमें कंपल्शन नहीं है, इतने ज वक्त तक पढ़ाना, इतना ही होमवर्क करना, उनके पास से एक्स्ट्रा करना वर्क, ये सब उसमें नहीं है, मगर वो पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, जैसा कि क्लास में टीचर इनको पढ़ाती है वैसा ही वो इमिटेट करने के लिए वो बहुत खुशी से वो कोऑपरेट करते हैं।
ऐसी ही एक टीचर बालिका है गवर्नमेंट हाई स्कूल की निष्कर। ईच वन टीच टू की अवधारणा ने चांद की भांति अब निष्कला की जिंदगी की कलाएं भी बदलते है। ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ, ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂ ನಿಷ್ಕಲಾ ಕಿ ಸುಬಹ ಭಿ गांव के दूसरे बच्चों की तरह गाय की गोद में दूध वाले को दूध पहुंचाने की नियमित ड्यूटी से ही शुरू होती है। अन्य बच्चों की तरह घर के काम करती है, खेलती है, कूदती है। मन चाहता है तो दूर तक अपनी साइकिल दौड़ा लाती है। नानी की कहानियां निष्कला को भी अच्छी लगती हैं। टीवी देखना इसे भी प्रिय है, लेकिन शाम को 6:30 बजते ही निष्कला बदल जाती है। अब ये टीचर जी है। देर बर्दाश्त नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। माँ और चाची जी पढ़ने को तैयार हैं और निष्कला पढ़ाने को। निष्कला खुश है कि इसकी दोनों शिष्याएं पूरी तरह आज्ञाकारिणी हैं। और ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರಿಯಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಬರಿಂದ್ರು। निष्कला अपनी डायरी लिखना कभी नहीं भूलती। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी आदत, अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा। निष्कला की माँ कहती है कि शिक्षण की इस सामाजिक जिम्मेदारी ने निष्कला को बदल दिया है। अब निष्कला सचमुच नई निष्कला है, आत्मविश्वास, लगन और आत्मगौरव से परिपूर्ण। ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾವಳೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಚುರುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ ಇದ್ರದ್ರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್, ಆಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಳೆಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೆಗಿತಾಳಲ್ಲ. ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ. ಈಚ್ ಒನ್ ಟೀಚ್ ಟೂ ಕಿ ಇಸ್ ಪರಿಯೋಜನಾ ನೇ ನಿಷ್ಕಲಾ ಕೆ ಪರಿವಾರ ಮೇ ರಂಗ್ ಲಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಮಾಂ ಬೇಟಿ ಕೆ ಸಂಬಂಧೋ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಹಿ ನಹೀ, ಆದರ್ ಭಿ ಬಢಾ ಹೈ. ಬೇಟಿ ಕೋ ಮಾಂ ಕೆ ಸಾಕ್ಷರ ಹೋನೆ ಕಾ ಗೌರವ ಹೈ, तो माँ को बेटी के गुरु ज्ञान का। ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವಳೆ,
ನಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಶಿ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೇ ಮೇ ಫೀಲ್. ये आत्मविश्वास, ये आत्मगौरव साक्षरता की छोटी सी कोशिश का बड़ा परिणाम है, जिसने चिकमांडिया के इस छोटे से इलाके में चेहरों की चमक बदल दी है. जाने कितने नव साक्षरों ने साक्षरता की उजास से चमत्कृत होकर सतत शिक्षा की ठान ली. नव साक्षर जान गई हैं कि साक्षरता क्यों जरूरी है. इसीलिए स्कूल का समय होते ही निष्कला की माँ उसके हाथ का काम थाम लेती है और चाची अविलंब स्कूल को तैयार कर देती है. क्या कहें, क्या नहीं बदला. निष्कला अब खुद संकल्पित छात्रा बन गई है. ನಿಷ್ಕಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊ ಹೇ ಜೋ ಪಡಕೆ ರಹತೆ ಹೇ ಓ ಬಿ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಜಾನತೆ ಹೇ, ಪೂರಾ ತೋ ಪಕ್ಕಾ ಜಾನತೆ ನಹಿ, ಮಗರ್ ಥೋಡಾ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ಭಿ ಓ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೋ ಪಡಾನೆ ಸೆ ಇನ್ಕಾ ಭಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಔರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಜೋ ಭಿ ಓ ಪಡತೆ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಾ ಹೇ ಔರ್ वो दूसरों को पढ़ाने से उनकी वोकैबुलरी ज्यादा होती है और दूसरे भी उनके थ्रू से पढ़ सकते हैं. पढ़ना हमारा हक है और पढ़ाना एक सामाजिक जिम्मेदारी. छोटी सी उम्र में जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, इन बच्चों के लिए अब इनकी खुद की पढ़ाई एक मिशन बन गई है. ये जान गए हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब नहीं, जीने का सलीका भी है. अपना कर्तव्य मालूम होती है.
इनकी योग्यता, अक्षर ज्ञान और जीवन दर्शन सब कुछ बेहतर हुआ है। परियोजना में नव साक्षरों के ज्ञान व विद्यार्थी शिक्षकों के कार्य के आकलन की भी व्यवस्था है। पुट्टू राजू ने अपने आकलन में निष्कला के शिक्षण और उसकी माँ चाची को साक्षरता ज्ञान में उत्तीर्ण पाया, तभी निष्कला 40 अंक की हकदार बनी। गौरव स्कूल की रौनक भी बढ़ी है। दो राय नहीं कि ईच वन टीच टू परियोजना दोहरे लाभ का माध्यम बनकर आई है। ये वर्तमान और भविष्य दोनों के सुधार की परियोजना है। सब समझ गए हैं कि गुरु चाहे छोटी उम्र का हो या बड़े ओहदे का, गुरु गुरु है, सदैव आदरणीय। ईच वन टीच टू के अनोखे प्रयोग की चिकमाटिया तो सिर्फ एक छोटी सी प्रयोगशाला है, एक उदाहरण मात्र। इसकी सफलता से राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने इसके जरिए 2 वर्ष के भीतर 10 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का सपना देखा है। दूसरे प्रोग्राम्स में बड़े प्रेरक्स होते हैं और मोटिवेटर्स होते हैं और दूसरे सोशल वर्कर्स होते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के रहते हैं, वो सब पढ़ाते हैं, मगर ये बच्चे जो पढ़ाते हैं उनका भी खुद का फ़ायदा होता है और जो पढ़ते हैं उनका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अपने ही नेबरहुड में वो पढ़ाते हैं, उनका फ़ायदा होता है और ये माँ बाप का फ़ायदा होता है और बच्चों का भी फ़ायदा होता है। इस परियोजना ने निरक्षरों को घर की 4 दीवारी से निकालकर साक्षरता केंद्रों तक लाने की रुकावट दूर कर दी है। स्वयं सेवकों की नियुक्ति, आने जाने और स्थान का ढांचागत खर्च बचा सो अलग। सचमुच कर्नाटक की ये नायाब पहल व्यावहारिक भी और परिणामदायक भी। ಮೊದಲೇ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಕರಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪೆ ನೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಏ ಖಾಸ್ಕರ್ ದೂಸರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇ ಜಹಾನ್ ತಕ್ ಮೈ ಬತಾ ಸಕ್ತಿ ಹೂ ದೂಸರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇ ಏ ಖಾಸ್ಕರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಪಹಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇ ನವೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಮಾತ್ ತಕ್ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಭೀ ಉನ್ಕೂ ಫೇಲ್ ನಹೀಂ ಕರ್ನಾ ಕರ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾ ಆರ್ಡ್ರಾ ಕರ್ ಹೇ. उसमें थोड़े बच्चे पढ़ते हैं, थोड़े बच्चे नहीं पढ़ते, डिसइंटरेस्ट होते ही थोड़े बच्चे अच्छा पढ़ के जाते हैं. तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों को ये एक अच्छा मौका होगा कि उनको वर्ड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट करने का और ये किताब के ज़रिए से अपनी किताबें पर तवज्जा होके पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों. कर्नाटक की सांस्कृतिक समृद्धि बेजोड़ है. इन्हें अपना घर, परिवेश, मवेशी सभी से प्यार है. इनके लिए ये आदरणीय है, श्रद्धेय है. इस सांस्कृतिक विरासत का बिगाड़ किए बगैर तरक्की के रास्ते पर बढ़ा एक कदम है ईच वन टीच टू. हर एक पढ़े, 2 को पढ़ाए.
कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अब रास्ता निकला है तो दूर तक जाएगा ही। काश हम भी निष्कला होते।